नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश वर्मा विनर्स इंस्टीट्यूट से 26 मई के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस फिर आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। क्या रहा कुछ पेपर में, आइए जानते हैं स्टूडेंट के साथ। मैम क्या नाम? निशा अहरवार। निशा जी, आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर सुनने को क्या मिला है? नहीं, ऐसा तो कुछ सुनने को नहीं मिला। नहीं मिला, मतलब किसी ने अपना स्कोर नहीं बताया? नहीं। अच्छा, पेपर के लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पेपर का लेवल तो काफ़ी वीक था, मतलब बहुत सरल था उस हिसाब से। सबसे ईजी कौन सा सब्जेक्ट लगा आपको? करंट अफेयर और साइंस। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन थोड़े से देखने को मिले आप? मैथ में मतलब एक क्रम वाइज जमाने के लिए और ये संख्या पद्धति वगैरह। हाँ। अच्छा, और परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, इनसे क्वेश्चन थे? इनसे क्वेश्चन एक दो थे, ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, और SICI से? SICI से भी नहीं थे ज़्यादा। साइंस वाले पोर्शन की अगर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इनमें किन पोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ज़्यादा? ज़्यादा तो इसमें फिजिक्स से मिल रहा है। फिजिक्स से क्वेश्चन। हाँ। और करंट अफेयर कब का पूछ रहा है? करंट अफेयर अभी 2022 का भी पूछा है, 23 का भी पूछा है और कुछ मतलब पहले का भी पूछा है उसमें। इंग्लिश में क्या क्या आया है? इंग्लिश में तो जैसे PQRS वाला था, क्या वो आया है? थोड़ा सा आया था। कितने क्वेश्चन थे समथिंग? 20 क्वेश्चन थे हर एक उसमें। अरे नहीं, इंग्लिश में पूछना चाह रहा हूँ कि PQRS जो को अपना पैटर्न था जंबल जमाने के लिए जो अरेंज करने के लिए आ रहे थे, उसमें कितने क्वेश्चन थे? लगभग 6 से 7। 6 से 7 क्वेश्चन सारे, मतलब पेपर और जो इंग्लिश का वोकैब था पढ़ने में ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा था? नहीं। थैंक यू सो मच। क्या नाम आपका? सुरेश कुमार दांगी। क्या स्कोर रहा है? 63 रहा। अच्छा ठीक है, फिर भी स्कोर। और लेवल की बात करें पेपर की, कैसा बोलोगे, टफ, इजी या मॉडरेट? नहीं, मॉडरेट ही था। मॉडरेट था, बनने लायक है? हाँ है। मतलब अगर किसी ने 3-4 महीने भी अगर प्रिपरेशन करी तो क्या बना सकता है? हाँ, हाँ, आराम से। चलो मैथ्स की अगर बात करें, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैथ्स के साथ, तो किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा मिले? सर एक तो प्रॉफिट लॉस वाला था, एडवांस से थे 2-3 क्वेश्चन, आयत से था एक, तो एक वो गोले वाला था। SICI? हाँ, SI के भी थे 2-3 क्वेश्चन, वो अंतर वाला था एक, तो CI SI में डिफरेंस 18 अंतर ऐसा कुछ दे रखा था। एवरेज नहीं था, वो सिंप्लीफिकेशन थे 3-4 क्वेश्चन। अच्छा, और DI से क्वेश्चन था? DI से भी थे क्वेश्चन। और फिर साइंस के ऊपर आते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में तीनों में आया था सर। हा? सभी आए थे, तीनों सब्जेक्ट आए थे, तीनों आ रहे हैं मिलाकर, क्योंकि सुबह वाली शिफ्ट में क्या हो रहा था, केमिस्ट्री से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे, तीनों आए थे बट केमिस्ट्री से ज़्यादा थे। अभी कुछ ऐसा तो कम ज़्यादा तो है, लेकिन लगभग आए तीनों थे, आए तीनों। चले, और हिंदी की अगर बात करें? हिंदी तो सरल थी सर, सरल है। MPGK से क्वेश्चन कितने थे? AMP से तो अपने यही था, ये प्रवासी सम्मेलन जो इंदौर में हुआ था ना, उसमें प्रथम पुरस्कार किसको दिया था? फर्स्ट राज्यपाल, फर्स्ट CM, और उसके बाद में वो हिस्ट्री से भी थे 3-4 क्वेश्चन। कुछ याद है? हाँ, प्रथम वो जो द्रुपद थे किसके दरबार में आए थे वो वाला था एक, तो और वो बौद्ध संगति के हेड वो अध्यक्ष कौन थे वो वाला था एक, और उसके बाद में वो जो स्वाति, एक महिला का नाम था स्वाति, पूरा तो नहीं याद है, वो कौन से नृत्य से रिलेटेड है। मतलब स्टैटिक GK भी पूछ रहा है। हाँ, स्टैटिक। और बचा है फिर इंग्लिश? इंग्लिश तो नहीं सर अपने को, इंग्लिश नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। सर क्या नाम आपका? हाँ, मेरा नाम विनोद पाटीदार है। क्या विनस का छात्र हूँ। हाँ, मुझे 58 आए। 58 जी। और लैब में किसी और का हाईएस्ट स्कोर सुनने को मिला क्या? मेरे साइड बाबूजी वाली एक लड़की बैठी थी, उसका 69 था। 69 जी। लेवल कैसा था पेपर का? लेवल का अच्छा था। अच्छा, मैथ्स में क्या क्या देखने को मिला है? मैथ्स में वो बार वाले क्वेश्चन आए थे, साधारण ब्याज आया था, दोनों का अंतर पूछा था, और वर्क था? हाँ, टाइम वर्क, सिंप्लीफिकेशन के भी आए थे, परसेंटेज भी था, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ बराबर था, बराबर। और इंग्लिश की अगर बात करें तो? इंग्लिश की बात करें तो वही PQRS अपना। हाँ, कितने क्वेश्चन थे समथिंग PQRS से? मान के चलो मैंने जो नोटिस किया है 5-6 या 6। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे? एक एक दो दो जी। और साइंस की अगर हम बात करें? साइंस की बात करें, साइंस मिला जुला था, सब दूर से पूछा गया था, जी। बायोलॉजी था, भौतिक विज्ञान था, रसायन विज्ञान था। तो क्वेश्चन इसमें पूछ के सारा, मतलब ज़्यादा डीप पूछ रहा है या फिर ऊपर ऊपर? अपन मान के चले मध्यम। हाँ, मतलब कुछ क्वेश्चन डीप आ रहे हैं, कुछ लाइट आ रहे हैं, बराबर मिला जुला। और हिंदी की अगर बात करें? हिंदी की बात करें, हिंदी भी मिक्स था, सब पूछा था उसमें। MPGK की पूछा था, अलंकार पूछा था। MPGK से कितने क्वेश्चन थे?
एमपी जीके से मेरे को देखने को एक या दो ही क्वेश्चन देखने को मिले बराबर। करंट अफेयर देखा था? करंट अफेयर था एक दो क्वेश्चन, हाँ एक दो क्वेश्चन। कब का आ रहा है करंट अफेयर? करंट अफेयर 2023 का, 22-23 का। और इसमें अगर बात करें अपन हिस्ट्री पॉलिटी या ज्योग्राफी से, इनसे क्वेश्चंस कैसे बने? हिस्ट्री का था, ज्योग्राफी को मेरे को नहीं देखने को मिला। हिस्ट्री के थे, हिस्ट्री के। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद हो जीके में या करंट अफेयर में? सर अभी तो पेपर का प्रेशर था, कुछ बता नहीं पाऊँगा। थैंक यू सो मच। ठीक, तो सेकंड शिफ्ट के पेपर की अगर बात करें तो वही लेवल समथिंग देखने को मिला है, बस साइंस में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा है कि कल की जो शिफ्ट हमने देखी थी उसमें केमिस्ट्री ज़्यादा था, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी केमिस्ट्री ज़्यादा था, बट अभी जो शिफ्ट हम सेकंड शिफ्ट में अभी आज का देख रहे हैं, इस वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं वो तीनों से लगभग मिक्स दिखाई दे रहे हैं। और मैथ्स का पैटर्न सेम चला है जो सुबह वाली शिफ्ट में था, परसेंट से एक दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से थे, SICI से था, एडवांस के 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले, DI का एक क्वेश्चन था, और हिंदी पूरा मिक्स चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आराम से आप हिंदी बना सकते हो। इंग्लिश में भी वही सेम पैटर्न, PQRS से क्वेश्चन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और जम्बल्ड अपना, और फिर इसके बाद वन वर्ड। GK में अगर बात करें MP GK से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन हैं, स्टैटिक GK वो थोड़ा सा ज़्यादा पूछ रहा है आप लोगों से, तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन रख सकते हैं। धन्यवाद।